हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज उन माओ को, उन प्रेग्नेंट वुमेन को मैं बताऊंगी कि फीटल हार्ट रेट यानी कि FHR से क्या पता चलता है गर्भ के अंदर बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो मैं अपने बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल के अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट से आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगी। एंड ये अर्ली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है एंड डिलीवरी होने के 2-3 सप्ताह पहले का है। तो इसमें बताऊंगी ये हार्ट रेट जो है अर्ली हार्ट रेट से धीरे धीरे अगर घट जाता है तो क्या बेबी गर्ल होता है, या फिर धीरे धीरे अगर बढ़ जाता है तो क्या बेबी बॉय होता है। ऐसा कुछ मैंने यूट्यूब में लाखों वीडियोज देखे हैं जो कि कोई साइंटिफिकली कोई प्रूव नहीं है उनमें। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि क्या सच में ये काम करता है। हम लोग जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो हजारों वीडियोस ऐसे ढूंढते रहते हैं कि बेबी बॉय होने के, बेबी गर्ल होने के हार्ट रेट क्या मायने रखता है, हार्ट रेट कितना काम करता है इसमें। तो डॉक्टर्स की सलाह से एंड मैंने भी थोड़ी बहुत स्टडी की है उससे मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, बेबी का जो हार्ट रेट है जब अर्ली अल्ट्रासाउंड होता है, अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, तब थोड़ा ज़्यादा होता है चाहे वो बेबी बॉय हो या फिर बेबी गर्ल हो। देखिए, जब अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, अगर आपका बेबी चुपचाप से सोया हुआ है तो हार्ट रेट ऑफकोर्स कम आता है। एंड अगर आपका बेबी तब मूवमेंट करता है जैसे कि पलटी मारना, किक मारना, तब जो है उसका हार्ट रेट ऑफकोर्स ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से डॉक्टर ने कहा है जब आपका बेबी मूवमेंट करेगा यानी कि वो उसके लिए कसरत है जिसके कारण हार्ट रेट बढ़ता है। जैसे हम बड़ों के लिए, हम अगर कोई काम करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर दौड़ते हैं तो हमारा हार्ट रेट दुगना हो जाता है, तो वैसे ही आपके फीटर का वैसे ही होता है। जैसे वो अगर थोड़ा सा हलचल करता है जोर से तो हार्ट रेट जो है ज़्यादा हो जाता है। अगर उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड करते हैं डॉक्टर तो ऑफकोर्स हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा ही आता है। बढ़ जाना, घट जाना, इसमें बेबी बॉय बेबी गर्ल ये कुछ भी नहीं है, सारे डॉक्टर्स यही कहते हैं। एक्चुअल अगर बेबी एंड बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल का पता करना सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही हो सकता है और जो कि कानूनन अपराध है। तो वीडियो कैसा लगे बताना, अगर थोड़ा सा भी इसमें जानकारी मिले तो मुझे कमेंट करके बताना, लाइक से सब्सक्राइब करना। तो चलिए मैं आपको रिपोर्ट अच्छे से दिखा देती हूँ कि हार्ट रेट जो है मेरे बेबी बॉय के टाइम पे कब ज़्यादा था, कब घट गया था, एंड मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे क्या सही ये काम करता है। अगर होता भी है तो इससे बेबी बॉय बेबी गर्ल का पता कभी नहीं चलता। तो ये देखिए मेरी बेबी गर्ल के टाइम का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो कि देखिए 2012 में हुई थी। वो देखिए फीटल हार्ट रेट 146 बीट पर मिनट, देखिए जो कि 17 वीक्स का था। और ये देखिए 38 वीक्स मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे फीटल हार्ट रेट 140 बीट पर मिनट था जो कि ये धीरे धीरे थोड़ा सा घट गया था। इसका मतलब ये नहीं, देखिए बेबी जो आपका बड़ा हो जाता है पेट के अंदर तो थोड़ा सा हार्ट रेट घट जाता है क्योंकि तब उतना स्पेस नहीं होता और बेबी उतना ज़्यादा हलचल नहीं कर पाता जिसकी वजह से थोड़ा सा हार्ट रेट जो है घट जाता है। बेबी बॉय के टाइम का जो देखिए 2020 में हुआ है, देखिए फीटल हार्ट रेट 170 बीट पर मिनट कितना ज़्यादा था। अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ। बेबी बॉय के टाइम पे मेरा 3 अल्ट्रासाउंड हुआ था जो कि मैं 5 मंथ का भी दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरे बेबी बॉय के टाइम का देखिए 2020 और ये 5 मंथ का देखिए 138 बीट पर मिनट्स हो गया था, मतलब ये भी जो है घट गया है। तो क्या इसका मतलब है मेरा बेबी गर्ल ही होगा या फिर बेबी बॉय ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए धीरे धीरे घट गया था, 5 मंथ्स का ही है जो स्कैन है होता है वो। एंड चलिए 32 वीक्स का भी दिखाती हूँ जो कि 31 वीक्स, मतलब मेरे हिसाब से 32 वीक्स में मैं गई थी। तो इधर देखिए FHR देखिए 145 बीट पर मिनट हो गया। तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है, आप इसको बिल्कुल भी मत विश्वास कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताना प्लीज़, एंड मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।